हे टीएमसी आर्मी, दिस इज अशु द होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल। और आप सबका एक बार हमारे माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में और हमारी न्यू वीडियो के अंदर फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, कल वीडियो नहीं आई उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बिजी रह रहा हूँ यार थोड़ी दिनों से, बिकॉज ट्यूशन जाना होता है और अब मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। बीच में छोड़ दी थी 4-5 महीने पहले जब हेल्थ मेरी अच्छी हो गई थी, अब फिर से कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा। टाइफाइड हो गया था मुझे, जिसकी वजह से मैंने जिम छोड़ दी थी। अब जिम भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है। सुबह मैं 10 बजे सो के उठता हूँ, उसके बाद मुझे वीडियो भी बनाना होता है, एक दो काम और होते हैं भाई घर के, तो ये चक्कर होता है। ठीक है ना, वीडियो आया करेंगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा डेली आया करेंगी। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग वेदर बॉस के साथ लड़ने वाले हैं। जी हाँ, दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना अब माइनक्राफ्ट गेम का एंड ही कर दूंगा। ठीक है ना, बहुत जल्दी एंड कर देंगे। और आप लोगों की डिमांड्स आ रही हैं, स्टोरीज बनाओ, गेम्स की स्टोरीज मैं फिर से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है ना, माइनक्राफ्ट का एंड करने के बाद गेम्स की स्टोरी शुरू कर दूंगा। 5 से 6 हफ्ते के अंदर इस गेम का एंड कर दूंगा मैं। एंडर ड्रैगन को पेल देंगे 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है ना, बाकी तो और भी कुछ ढंग का कुछ बचा नहीं है इस गेम के अंदर। ठीक है, सो वेदर बॉस से लड़ने के लिए मैंने पूरी तैयारियां कर ली है। मैंने यहाँ पर देखो गोल्ड इंचेंटेड एप्पल वेप्पल सब कुछ कर लिया है और ये सारे सारे पोशन भी तैयार कर लिए हैं मैंने। ठीक है, और मैंने एक जगह भी बनाई है जहाँ पे मैं उसको जाके मारूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे करने पड़ेंगे कुछ आयरन गोलम्स का काम, यानी मुझे उस जगह पे आयरन गोलम्स को स्पॉन करना पड़ेगा काफी सारे। ये टाइम आ चुका है आयरन गोलम्स को स्पॉन करने का। ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, आप लोग देख लो खुद ही। ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, ठीक है, 7 बने हैं। ठीक है, ऑल राइट गाइस, हम लोग बना देते हैं और बनाएंगे यार, 7 से तो काम नहीं चलने वाला। 5 और, 1 और, ऑल राइट, चलो यार 14 बन पाए हैं, 14 से बन जाएंगे 3-4 आयरन कॉलम्स तो भाई ट्रली मेरे ख्याल से तो और पड़े हैं, लेकिन मैं और खर्च करना ही नहीं चाहता। ठीक है, हमें टोटम ऑफ अंडर टाइम की भी जरूरत पड़ने वाली है और तो कोई चीज की जरूरत मुझे नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। ठीक है, दोस्तों आप लोग मेरी जगह देखोगे हैरान हो जाओगे, काफी मुश्किल से काफी देरी में वो जगह बनाई है। और ये सोल सैंड जो मैं वेदर बॉस से लड़ रहा था मैं उसके बाद लेकर के आ गया था, और ये ब्लेस रोड में जो लेकर के आया था वहां से ब्लेस पाउडर मैंने बना दिया, जिससे कि मैंने इसमें से वो बनाए थे बोतल के अंदर। ठीक है ना, ये है दोस्तों मेरे पोशंस जो मैं लेके जाने वाला हूँ वहां पे, और जो बेकार की चीजें हैं लिटरली वो मैं रख के जाने वाला हूँ यहाँ पे। मुझे पता है क्या होने वाला है, खतरनाक तबाही मचने वाली है उस जगह पे। सबसे पहले तो मैं एक इंचेंटेड एप्पल लेके जाऊंगा वहां पे, इंस्टेंट हेल्थ लेके जाने वाला हूँ। ठीक है, रीजनरेशन पोशन लेके जाने वाला हूँ, फायर असिस्टेंस पोशन लेके जाने वाला हूँ, वाटर ब्रीथिंग की जरूरत नहीं है मैंने ऐसे बना दिया ये, इनविजिबिलिटी का पोशन भी लेके जाने वाला हूँ, जंप का भी पोशन लेके जाने वाला हूँ, नाइट विजन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, और क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है हमें, बस यार ओहो वेदर स्केलेटन्स के सर भी तो लेके जाने हैं ना, 3 सर लेके जाने पड़ेंगे हमें। ऑल राइट, 3 सर हमने ले लिए हैं वेदर बॉस के। ठीक है ना, ऑल राइट, और तो कुछ जरूरत है नहीं वैसे, 4 बोतल और पड़ी है मेरे पास अभी, मेरे ख्याल से बस हो गया काम। पंपकिन और ले लेते हैं यहाँ से, पंपकिन्स ले लिए, मेरे ख्याल से कवर्ड पंपकिन्स की जरूरत पड़ने वाली है हमें, कवर्ड पंपकिन्स ले लेते हैं फिर, कवर्ड और कर लेते हैं 2-3 पंपकिन को, 5 पंपकिन को और हम लोग वो कर लेते हैं। शेयर कहाँ है मेरा, शेयर, अरे ये भी तो है, एक टोटम ऑफ डैम ये भी ले लेता हूँ ना मैं। शेयर कहीं दिख रहा है इसके अंदर आप लोगों को, ये रहा, चलो कुछ पंपकिन्स को और हम लोग कवर करते हैं, 3 तो है ही, 5, बस हो गए। ऑल राइट गाइस,
ले लिए हमने, 8 हो गए हमारे पास, 8 की जरूरत पड़ने वाली वाली वैसे, इतने तो हमारे पास क्यूब्स है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो बस यार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ और मैं उतारने वाला हूँ अपना ये कवच कुवच जो भी है, मैं रख के जाने वाला हूँ, बिकॉज इनविजिबिलिटी काम नहीं करेगी अगर मैंने कवच पहन लिया तो। मैं बिल्कुल डिंग डोंग जाने वाला हूँ ऐसे ही जैसे हूँ अभी, ठीक है ना। ऑल राइट, चलो चलते हैं। अरे ये क्या ले लिया मैंने, ये गलत चीज उठा ली मैंने एक ये। ऑल राइट गाइज, आई एम रेडी नाउ, सो मैं रेडी हूँ। ओहो रात हो गई, दिन कर लेते हैं एक मिनट। ऑल राइट, सो हम सो जाते हैं गाइज। और भाई काफी खतरनाक वाला मैच होने वाला है यहाँ पे हमारा, देखते हैं क्या सीन होता है। चिप्पू तो यहीं रही हो और सबकी देखभाल करियो। ओ यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एरोज भी बनाई लेता हूँ ना, एरोज मेरे ख्याल से कम पड़ जाएंगे, 64 एरोज थोड़ी ना यार। एरोज कैसे बनाए जाते हैं मैं भूल गया, एरो 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 एरो, अबे ग्लोस्टोन एरो नहीं चाहिए भाई, एरो 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 ये एरो, हाँ फ्लिंट फैदर। ओ भाई ये तो खतरनाक चीज़ें हैं फ्लिंट और फैदर, तो यार फ्लिंट तो है ही नहीं मेरे पास, एक ही फ्लिंट पड़ी है, ख़त्म कर दी मैंने सारी फ्लिंट यार। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, थोड़े से स्केलेटन्स को पेलना पड़ेगा। यहाँ पे मरे होंगे स्केलेटन्स तो अपने छोड़ गए होंगे अभी, ये रहा एक ही मर रहा था क्या, और नहीं है बस। और एक्सपी फार्म के अंदर कोई आया क्या, कोई नहीं आया यार, एक्सपी फार्म ना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, वरना से तो काफ़ी लोग आ जाते हैं मेरे एक्सपी फार्म के अंदर। इसके अंदर भी कुछ माल वाल नहीं पड़ा, स्केल्टन आ जाओ यार, कोई तो आ जाओ, कोई तो कुछ दे जाओ यार, आ जा मेरे लाल आ जा, नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं यार, 64 हमारी तलवारें भी तो हैं, तलवारों से पहलेंगे, पटापट पटापट मारेंगे तलवार से भी, ठीक है। सो दोस्तों मैंने सबसे पहले मैं आप लोगों को जगह बता दूं, वो बेड रॉक की जगह है जहाँ पे मैंने ये जो जगह बनाई है आपको मैं दिखा देता हूँ वो जगह। क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे, क्या चुपक के तुम लोग बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, बेटा लावा में तो गिर मत जाइए, बहुत मारता हूँ बच्चों को। तो सामने मैंने दोस्तों वो जगह बनाई, और ये मेरा कबल स्टोन की वो उस चीज़ की जगह बनाई हुई है। तो दोस्तों मैंने वो देखो सामने जहाँ पे टॉर्च लगा रखी है मैंने, वहाँ पे जगह बनाई है काफ़ी नीचे, जहाँ पे बेड रॉक का एंड होता है, ज़मीन का एंड है, मैंने वहीं पर ये जगह बनाई है काफ़ी नीचे, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो काफ़ी नीचे है वो जगह, ताकि दोस्तों ऊपर आ जाता है, लेकिन दोस्तों ऊपर आ नहीं पाएगा, ऊपर बेड रॉक है। अब मैं दिखाया था वो वाली जगह, बेड रॉक को तो इसका अंकल भी तोड़ नहीं पाएगा भाई। ऑल राइट, देखो कितनी ऊपर है यार, कितनी नीचे है ये जगह, सामने नीचे बेड रॉक है, कुछ कुछ जगहों पे बेड रॉक था और कुछ कुछ जगहों पे बेड रॉक नहीं था। दोस्तों ज़मीन जो है इसकी कहीं कहीं इसके ये कहीं कहीं इसकी ज़मीन में बेड रॉक था और कहीं कहीं नहीं था, ऊपर तो पूरा बेड रॉक से भरा पड़ा है, इसीलिए दोस्तों मैं चाह रहा था कि ऊपर की जो दीवार है और खोदूं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे बेड रॉक है, कहीं की जगह पे बेड रॉक नहीं है, और नीचे भी सेम सिस्टम है, कहीं की जगह पे बेड रॉक है, कहीं की जगह पे नहीं है। और देखो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इस चीज़ को भी हम लेके जाएंगे बाद में, लेके जाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ देखो ये पड़ी हुई हैं, मैं लेके तो नहीं आया उसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आयरन गोलम को स्पॉन करेंगे, ये लगे तो नहीं रहा वैसे हो जाएगा आयरन गोलम स्पॉन, क्योंकि जगह वो छोटी है ये, कोई हो गया काफ़ी छोटी जगह है यार ये वैसे। ओके एक दो तीन ही हो पाएंगे स्पॉन यार, हो गया ये भी हो गया, ठीक है तीन हो गया। और दोस्तों इसको भी तोड़ने पड़ेंगे मुझे यार, बिकॉज जगह खाली करनी पड़ेगी, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी जगह यार, वो ना नीचे नहीं जा पाएगा ना वो ऊपर आ पाएगा, इसी के अंदर ही बंद रह जाएगा वो, क्योंकि बेडरॉक तो उसे टूटने सरा भाई। और मैंने जगह भी इस तरीके से चूज़ करी है, उसका बाप भी नहीं आ पाएगा मेरे ख्याल से, तो हमारे आयरन गोलम ही देख लेंगे उसको, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखना मैं इनविजिबिलिटी पोशन करके आराम से बैठूंगा चाय पी के, ठीक है, हमारे वही देख लेंगे। मेरा घर कहाँ है, इस तरफ था, हाँ इस तरफ है। ऑल राइट गाइस, हमें वापस जाना पड़ेगा और हमें लेकर के आने पड़ेंगी पिकैक्स पिकैक्स पिकैक्स,
ऑल राइट मैं कुछ खा लेता हूँ सबसे पहले तो। चलो अब चलते हैं। वेदर स्केल्टन्स के स्कल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी यार, देखते हैं क्या सीन होता है वेदर बॉस का। अब चलते हैं और अपनी पिकैक्स लेकर के आते हैं जो हमने नीचे रखी है बड़े ताव से। आयरन की पिकैक्स, गरीब आदमी है भाई, आयरन की पिकैक्स यूज करेंगे। कवर्ड पम्पकिन, चलो इधर आ जाओ, उधर ही रहे। बोन ब्लॉक ऑफ आयरन वायरन सब कुछ मैं डाल देता हूँ इसी के अंदर यार, ठीक है। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, शेयर की ज़रूरत नहीं है, शेयर मैं ऊपर ही डाल दूँगा। चलो शेयर में डाल देता हूँ गाइज, यहीं पर ही डाल देता हूँ। और एक मिनट मैं टोटम ऑफ अनटाइम लगा देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे काम आएगा, ये मुझे बचाएगा। अब चलते हैं गाइस, लड़ाई का टाइम आ चुका है। अब नाओ वेदर बॉस का एंड करते हैं और अपना नेदर स्टार लेते हैं और बीकन बनाते हैं। ओके मैं आ चुका हूँ उस जगह पे, मेरे दिल की धड़कन है ना यूं यूं करके चल रही है इस समय, यूं यूं करके कि क्या होगा आखिरकार उस वेदर बॉस का हाल यार। ऑल राइट नीचे चलते हैं। चलो यार सो गाइस देखना पड़ेगा यार क्या सीन है। चल 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 नीचे चल। ऑल राइट गाइस सो हमारे आयरन गोलम्स भी यही है। सबसे पहले तो मैं इन सबको तोड़ता हूँ यार। काफी सारे मिल गए मुझे ये रेडस्टोन, काफी सारे रेडस्टोन तो मिल तो गए यार। और क्या था यहाँ पे, लैपिस था ना। ओह माय गॉड लैपिस, 29 लैपिस मिल गए यार। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो यहाँ से तो नहीं निकल जाएगा, यहाँ से सीधा जाए ऊपर सुर। कोई बात नहीं, तो चलिए यार इट्स टाइम टू स्पॉन। या गाइस या अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, इंस्टेंट हेल्थ नहीं पीनी, रीजनरेशन में पी लेंगे, नाइट विजन पीते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि वो सारे टॉर्चेस को तोड़ने वाला है। ऑल राइट और ये क्या है, इनविजिबिलिटी। ऑल राइट इनविजिबिलिटी का भी पी गया मैं, फायर रेसिस्टेंस का भी पी लेते हैं। ऑल राइट और जंप बूस्ट का भी पी लेते हैं, ठीक है। रीजनरेशन का भी ले ही लेते हैं। ऑल राइट गाइस सो ये टाइम आ चुका है उसको मारने का, यानी वेदर बॉस को ख़त्म करने का। चलिए अरे 1, 2 एंड 3 या गाइस हमारा यही देख लेगा मेरे ख्याल से तो इसको, भाई मैं तो वो हूँ। खत्म है ये, यही खत्म। ओ माय गॉड अरे ले अबे ले अबे ये क्या हुआ, अबे चल अबे अबे भाई व्हाट इज दिस मुझे ओ भाई ये व्हाट भाई व्हाट इज दिस मैन व्हाट ओ माय गॉड लावा भाई साहब ये क्या थी? ये क्या हुआ, नेदर स्टार मिल गया, ये क्या था, ये वेदर बॉस था ये अरे मैंने इतनी सारी तैयारियां की, इतनी दिमाग खराब, कुछ तो यार कुछ तो शर्म कर लेते
ये मेरे आयरन गोलम्स भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा यार, तू जिए हजारों साल, तेरी कोई जरूरत नहीं है भाई। मेरे कुछ तो दे ही दे यार अब। ला 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 ला, मेरा एक टोटम वन डाइन चला गया यार। अबे भाई साहब, गाइस आपने देखा क्या सीन हुआ? वो भाई साहब बेड रॉक को तक तो तोड़ दिया इसने, और नीचे नीचे की जमीन कबलस्टोन है यार, ये क्या सीन है? धोखा दिया इन लोगों ने मुझे यार, नीचे की जमीन तो सारी कबलस्टोन से भरी पड़ी है और ऊपर बेड रॉक कहां से आ गया? व्हाट यार, इसकी छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई क्या सीन किया ये, व्हाट एक। अरे भाई साहब बहुत तरह। गाइस आपने देखा क्या सीन हुआ? आयरन गोलम जैसे वो स्पोन हुआ वैसे लग गए उसके ऊपर, पट 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 पट। भाई साहब बहुत खतरनाक सीन हुआ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा एक छोटा मोटा अंडरडाइन शुक्र मैंने लगा रखा था, और जैसे मैंने उसको स्पोन किया जब वो ब्लास्ट होता है ना, तब मैं यहाँ पर आ गया था और मेरी हेल्थ चली गई थी बिल्कुल। अगर टोटम ऑफ टाइम नहीं होता तो मैं मर जाता लिटरली, शुक्र है मैंने लगा रखा था वो। और देखो बैड रॉक को तक तोड़ दिया इसने यार, बैड रॉक को तक तोड़ रखा है, और ऊपर भी ऊपर तो कुछ नहीं टूटा। सो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, बच्चा था ये तो मेरे आगे। अबे अले ले ले अले ले ले, भाई साहब खतरनाक सीन हुआ आज का यार, बहुत खतरनाक। ऐसे वेदर बॉस को मरते हुए आप लोगों ने मेरे ख्याल से तो आज तक भी नहीं देखा होगा गाइज, आज तक नहीं देखा होगा आप लोगों ने। मैं चाहूँ ना तो भाई बस मजा आ गया यार आज की वीडियो में, मुझे तो बहुत, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं लगता था, 0% लिटरली 0% पता था मुझे, 0% लगता था, सिर्फ और सिर्फ 0% कि ऐसा होगा। मैं सपन में भी नहीं सोच सकता था। मैंने पिछली वीडियो में जब बनाई थी वेदर बॉस की तो आप लोगों को पता है कि क्या सीन हुआ था मेरे साथ, आयरन गोलम जी फेल हो गए थे, लेकिन 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 यहाँ पे मैं हार गया। यहाँ पे मैं हार गया भाई, यहाँ पे मैं हार गया, क्या सीन था, व्हाट। ओए इधर आ, भाई साहब मैं तो सोच के हैरान हो रहा हूँ ये क्या था, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ आयरन गोलम ने देख लिया। यार क्या सीन हुआ, मुझे मजा नहीं आया यार, मेरे सारे पोषण, इतनी मैंने मेहनत की, इतना सब कुछ किया, फिर सब वेस्ट चला गया मेरा यार, बताओ यार क्या करूं भाई। ये सब ऐसा कैसा पड़ा, ये देखो इंस्टेंट हेल्थ वेल टोटम सब ऐसा कैसा पड़ा, बस नेदर स्टार मिल गया मुझे, वाह बिल्कुल मजा सा नहीं आया यार, थोड़ा सा ना अच्छा सा नहीं लगा, इतनी मेहनत करी कि मैंने उसके बावजूद भी ये सीन मुझे देखने को मिला, मजा सा नहीं आया। सो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो वेदर वॉच की, तो चुट, अबे बच क्यों नहीं रही, बज रही है, अच्छा मैंने हेडफोन लगा रखे, मैंने कहा बच क्यों नहीं रही है। ऑल राइट, सो 2 मिनट का काम था, वो देखो कौन घूम रहा है, भाग, वो रहा हराम ज्यादा, वो घूम रहा है, क्या नाम है उसका, अरे फिर भाग गया, इधर ये रहा, अरे तू निकलना, तू कहां से आ गया, वो घूम रहा है एंडर ड्रैगन, कहां भाग गया वो एंडर ड्रैगन, कह रहा हूँ एंडरमैन घूम रहा है इधर कहीं, जाना खाली कर। इतना सब मैंने सोचा था कि मैं उसको ऐसे मारूंगा ऐसे मारूंगा ऐसे मारूंगा, लिटरली 1 मिनट नहीं टिक पाया, 1 मिनट 2 सेकंड टिक पाया भाई, 2 सेकंड गिनती के 10 सेकंड बस, इससे ज्यादा नहीं गिनती। जैसे स्पोन हुआ आयरन गोलम उस पर लगी गए, मारते मारने 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 पटापट मारे भाई उसके, भाई खत्म ही कर दिया आयरन गोलम का। भाई हमें पता है डैमेज कितना होता है, उसके बावजूद चिप्पू हम लोग जीत गए, चिप्पू तू आजाद है, तू आजाद है चिप्पू, तू आजाद है। वे चिप्पू चिप्पी मिल गए, चिप्पी हो गया, व्हाट चिप्पू चिप्पी मिल गए, चिप्पू हुआ। और ओए कहाँ घूम रहा है, रुक यहीं बैठ चिंटू यहीं बैठ। ओए ब्रीडिंग करवा दी मैंने तो इन लोगों की, मुझे लिटरली बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी होता है।
अब मत करो चिप्पू चिप्पी, इधर चिट्टा चिट्टी करने की जरूरत नहीं है तुमने। यहीं बैठ तू अब। सो हमारा एक साथी और आ चुका है, ठीक है ना। ऑल राइट गाइस, सो उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम का, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। एंड मुझे कमेंट्स में ये जरूर बता देना आखिरी में कि क्या आपको ऐसा लगा था कि वेदर बहुत इतनी आसानी से हार जाएगा, ठीक है। सो चलिए, बाय बाय।